तो कैसे हैं दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी हैशटैग जावा पे। हम लोग बात कर रहे थे अपने सीरीज ऑफ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा का इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कैसा होता है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लिसनर इंटरफेस, उसकी क्लासेस के बारे में, उसके मेथड्स वगैरह देखेंगे, सब चीजें एक करके स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जावा के इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो यहां से स्टार्ट करते हैं जावा का इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म क्या है। देखिए, इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द इवेंट एंड डिसाइड व्हाट शुड हैपन इफ एन इवेंट अकर्स। तो इसका मतलब जावा में हम लोग एक इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म होता है जहां पे वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि ये इवेंट होने पे उसको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, एक कोई बटन है, अगर मैं इस पे क्लिक दबाता हूं तो ये क्या है, अभी अनक्लिक्ड सिचुएशन में है, अभी इसका स्टेट कुछ और है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये क्या कर दिया, अपना स्टेट चेंज कर दिया और ये क्या हो गया, अनक्लिक स्टेट में आ गया। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है, इवेंट हुआ है। तो यहां पे क्या किया जावा, यहां पे इवेंट को हैंडल किया। कैसे इवेंट को हैंडल किया, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक किया वो बता दिया कि ये इवेंट अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ये स्टेट अब चेंज हो गया है, ये अनक्लिक्ड हो गया है। तो कभी कभी आप देखते होंगे अगर मैं एक बटन को क्लिक कर दूं, ठीक है, किसी बटन को आप क्लिक करते होंगे तो वो गायब हो जाता है, ठीक है, अब दोबारा उस पर आप क्लिक नहीं कर सकते। तो यही चीज क्या है, इवेंट हैंडलिंग है। ये चीज कैसे हो जाता है अपने आप की हम लोग दोबारा उसको क्लिक ना कर सके, तो वो क्या हैंडलिंग है एक प्रकार का। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जावा में भी एक मैकेनिज्म है जिसको बोला जाता है इवेंट हैंडलिंग। तो देखते हैं अब इवेंट क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग तो जान गए, इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है एक ऑब्जेक्ट जो कि डिसाइड करता है, जो कि डिस्क्राइब करेगा, जो कि हम लोग को बताएगा कि उस स्टेट का, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ है। तो अभी जैसे मैं बताया इस बटन का स्टेट क्या हुआ, चेंज हुआ, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, क्लिक स्टेट से अनक्लिक स्टेट में चला गया। तो वही चीज क्या है हमारा, इवेंट इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब अ स्टेट चेंज इन अ सोर्स। ठीक है, एक सोर्स में हमारे क्या हुआ, स्टेट का चेंज हुआ। ये चीज कौन बताएगा, हमारा इवेंट बताएगा। ठीक है, ये तो देख लिया हम लोग। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, इवेंट डेलीगेशन मॉडल क्या होता है। ये इवेंट डेलीगेशन मॉडल, तो यहां पे लिखा है इट इज अ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द इवेंट एंड डिसाइड्स व्हाट शुड हैपन इफ एन इवेंट अगर। तो हम लोग इसको एकदम बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे इवेंट डेलीगेशन, इवेंट तो हम लोग जान गए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो कि हम लोग को बताएगा स्टेट का क्या हुआ है, चेंज हुआ है। उसके बाद फिर देखिए यहां पे लिखा है डेलीगेशन। डेलीगेशन का अगर मैं इंग्लिश वर्ड का अगर मैं मतलब बताऊं तो वो होता है कि अपने पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और को हैंडल करना जो कि अच्छे तरीके से उसको और कर सके। ठीक है, तो डेलीगेशन का मतलब आप समझ गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या, किसी दूसरे को देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पास करना किसी दूसरे को जो कि और अच्छे से उस काम को परफॉर्म कर सके। इवेंट डेलीगेशन मॉडल, इस मॉडल के बारे में ये क्या है, यहां पे ये मॉडल अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर दिया हूं। यहां पे क्या है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, इसका आइडिया को हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, इसको हम लोग थोड़े एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सोच समझ के इसका ऐसे एग्जांपल बनाया हूं अभी अभी। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इवेंट सोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या गोले बने, इवेंट सोर्स है, इवेंट ऑब्जेक्ट है, लिसनर ऑब्जेक्ट है और लिसनर इंटरफेस है, चार गोले हैं। इसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि इवेंट सोर्स एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है। इवेंट ऑब्जेक्ट उस फैमिली का बड़ा बेटा है, ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्ट उस फैमिली का क्या है, बड़ा बेटा है, लेकिन थोड़ा नालायक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, उसके घर में कोई इवेंट है, इवेंट बोल सकते हैं उसकी दीदी की शादी है, ठीक है, उसकी दीदी की शादी है, तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन वो क्या है, थोड़ा नालायक है, उसको खुद से ही पता है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं है, वो इसको कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो वो क्या किया, वो थोड़ा लेकिन थोड़ा चलाक जरूर है, ठीक है, वो काम एकदम जबरदस्त करता है, ठीक है, भले वो खुद से ना करे। वो क्या किया, उसको याद आया कि एक उसका दोस्त है जो कि इवेंट हैंडलर है, ठीक है, इवेंट मैनेजर है, जो कि इवेंट को क्या करता है, देखता है, मैनेज करता है, उसको हैंडल करता है। तो वो क्या किया, तुरंत कॉल किया अपने दोस्त को जिसका नाम है लिसनर, ठीक है, उसका नाम है, उसके दोस्त का नाम बोल सकते हैं हम लोग क्या है, लिसनर है, ठीक है। लिसनर क्या है, लिसनर एक इवेंट हैंडलर है जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड बोलने का मतलब पहले से प्रोफेशनल है अपने काम में, वो रजिस्टर्ड है, उसको रजिस्टर होना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लिसनर हमेशा रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, किसे, इवेंट सोर्स से। मतलब कुल मिला के वो जैसे ही इसको कॉल किया, वो उसको बताया, वो क्या किया, इवेंट को अच्छे से हैंडल किया, ठीक है, इवेंट को हैंडल किया, लेकिन ये क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड बोलने का मतलब वो प्रोफेशनल है अपने काम में, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ
ये क्या है, लिसनर इंटरफेस है। लिसनर इंटरफेस जहां से वो अपने काम करा, अच्छा भाई वो खुद तो काम करेगा नहीं, वो तो इवेंट हैंडलर है, उसके पास लिसनर इंटरफेस है जहां से वो काम करवाता है, ठीक है। तो इट मस्ट इंप्लीमेंट, और हम लोग जानते हैं इंटरफेसेस क्या होता है जावा में, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास को इनहेरिटेंस कर सकते हैं, वहां से मल्टीपल क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मस्ट इंप्लीमेंट मेथड टू रिसीव एंड प्रोसेस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो जो भी लिसनर ऑब्जेक्ट बताएगा वही लिसनर का लिसनर इंटरफेस वहां पे उसको करके देगा, और ये इसको करके दिया तो ये फैमिली को वो पूरा ये क्या क्या प्रोवाइड कर पाएगा, अपनी पूरे पूरी जो भी ये फैसिलिटीज है अपने इवेंट की वो पूरी प्रोवाइड कर पाएगा, और अच्छे भले तरीके से शादी उसकी दीदी की हो जाएगी, और पूरा का पूरा जो नाम है वो किसका चल जाएगा, इवेंट ऑब्जेक्ट का, तो कि वो ही करवाया है, इतना सारा हैंडलिंग वो कराए। अब ये तो थोड़ा बेसिक मतलब था, ठीक है, थोड़ा मैं इसको सब्जेक्ट से दूर ले जा रहा था, बस इसको समझाने के लिए कि आखिर ये डायग्राम किस तरीके से, अब हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं, आखिर इसका टेक्निकल टर्म्स में इसको समझते हैं। हम लोग को तीन काम करने हैं अपने इवेंट डेलीगेशन मॉडल में। हम लोग को सबसे पहला काम ये करना है, इवेंट इंप्लीमेंट करना है अपनी डिजायर्ड लिसनर इंटरफेस को। लिसनर इंटरफेस को हम लोग को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, पब्लिक क्लास ए एक्सटेंड एप्लेट इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर। तो हम लोग जानते हैं यहां तक के तो हम लोग काम अभी कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो तक, ठीक है। कहां तक के एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है, हम लोग को जानते हैं एप्लेट क्लास को यूज करना है तो हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ता है एप्लेट। उसके बाद एक्स्ट्रा काम क्या करना है, यहां पे इंप्लीमेंट करना है एक्शन लिसनर को। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया जाए, वहां पे लिसनर और भी टाइप के हो सकते हैं, एक्शन लिसनर हो सकता है, माउस लिसनर हो सकता है, तो वो हम लोग अपने अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे लिसनर इंटरफेस के मेथड्स के बारे में। तो अभी के लिए क्या है, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हम लोग क्या, एक्शन लिसनर को। उसके बाद फिर क्या है, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इम्पोर्ट करना है हम लोग को java.awt। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इम्पोर्ट करना है java.awt.event.star पैकेज को इम्पोर्ट करना जरूरी है। अगर हम लोग इवेंट डेलीगेशन मॉडल की बात करें, इवेंट डेलीगेशन मॉडल को अगर प्रोसेस कराना है तो इम्पोर्ट कराना पड़ेगा अपने को java.awt.event.star पैकेज को, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर करना जरूरी है लिसनर को विद डिजायर कंपोनेंट। देखिए जैसे कि मैं बताया, रजिस्टर करना वहां पे जरूरी है, रजिस्टर करना हम लोग को लिसनर के ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा इवेंट सोर्स के साथ, क्योंकि भैया फैमिली वाले ही पैसे देने वाले हैं उसको, तो रजिस्टर करना जरूरी है, ठीक है। तो रजिस्टर हो गए, तो उसके बाद फिर यहां पे क्या लिखा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी हम लोग को कोई भी चीज को फैसिलिटी अगर हम लोग को चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स की बात करूं, नेटफ्लिक्स में अगर आपको एक सीरीज देखना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो बात अलग है कि एक सब्सक्रिप्शन से 500 लोग देखते हैं उसको, लेकिन हम लोग को सब्सक्रिप्शन जरूरी पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इन द सेंस यही है कि रजिस्टर करना यहाँ पे जरूरी है। अब जैसे आप ही मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उसको जरूरी यहाँ पे तो नहीं है सब्सक्राइब करना, लेकिन आप कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लीज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर उसको कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं, भटकते नहीं है। अगला क्या है, अगर हम लोग को रजिस्टर कराना है अपने लिसनर को तो हम लोग डिजायर्ड कंपोनेंट के साथ, तो वो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, वो इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, एड एक्शन लिसनर, ठीक है। हम लोग को एड मेथड का यूज करना है, एड जो भी हम लोग लिसनर को यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं उसी को हम लोग क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा, एड एक्शन लिसनर यहाँ पे ये मेथड है, इस चीज का हम लोग को यूज करना है। और तीसरा फॉरमोस्ट, पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये, तीसरा हम लोग का काम ये क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है लिसनर इंटरफेस मेथड। इसका मतलब जो भी हम लोग इंटरफेस को बनाए हैं उसके अंदर जो भी मेथड्स है उसको डिफाइन करना जरूरी है, डिफाइन करना जरूरी है इसके इस क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये एक्शन एक्शन इवेंट क्या है, उसका क्लास है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को क्या करना है, जितने भी मेथड्स हैं हम लोग जानते हैं किसी भी इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं उसको डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो क्लास को हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ये सब चीज जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्योंकि वो इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट किए तो जरूरी है कि वहां के हम वहां पे जितने भी मेथड्स हैं उसको हम लोग डिफाइन करें। तो तीसरा मेथड क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिफाइन करना लिसनर इंटरफेस के मेथड्स को, ठीक है। ये सब हम लोग देख लिए, इस तरीके से हम लोग पूरा अपना इवेंट डेलीगेशन मॉडल, यहाँ पे मैं सारी चीजें लिखा हूं, इवेंट क्या है, इवेंट सोर्स एक इवेंट क्लास है जो कि इन्वोक करता है किसको, हमारे इवेंट सबसे पहले इवेंट ऑब्जेक्ट बनता है, इवेंट ऑब्जेक्ट किसको बुलाता है, लिसनर ऑब्जेक्ट को, और लिसनर ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है लिसनर इंटरफेस को। ये लिसनर इंटरफेस क्या करेगा, हर एक मेथड को क्या करेगा, वहां डिफाइन करेगा, इट मस्ट इंप्लीमेंट मेथड टू रिसीव एंड प्रोसेस नोटिफिकेशन, वही चीज यहाँ पे लिखा है। और लिसनर ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि इवेंट That generates response to events, ठीक है। तो इस तरीके से, और लास्ट में हम लोग इसको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, इट इज द मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द इवेंट एंड डिसाइड व्हाट शुड हैपन इफ एंड इफ
इवेंट था कल, तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा मेन जो मुद्दा था, मेन मेरा जो गोल था वो यही था कि मैं किसी भी तरीके से इवेंट डेलीगेशन मॉडल को आपको समझा सकूं। ये जब थ्योरी आप अब दोबारा आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये सब कुछ अगर हम लोग लिख देते हैं अपने ओन वर्ड्स में तो हम लोग बहुत ही अच्छे से मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इंटरफेस क्लासेस, ये एक्शन लिसनर, लिसनर क्लास के इंटरफेस के मेथड्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उस चीज को। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को, इवेंट लिसनर इंटरफेस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होने वाले इवेंट लिसनर के इंटरफेसेस हैं। सबसे पहले उनको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो हम लोग को एक एक लिसनर के लिए एक एक कोडिंग पार्ट नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग क्या करना है उसका कंसेप्ट बताना है और वहां पे हम लोग को उसको मेथड का, उस इंटरफेस का हम लोग को वहां पे बता देना है कितने मेथड्स हैं और उसका इस तरीके से हम लोग को सिग्नेचर दे देना है। ठीक है, तो हर बार हम लोग ऐसा कोड पार्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग एक में आपको कोड पार्ट लिख के समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे उसका बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और उसका सिग्नेचर देखे हम लोग जल्दी जल्दी सारे के सारे यहां पे इंटरफेस को देख लेंगे। क्योंकि अगर सात तो इंटरफेस के अगर आप सात के साथ कोडिंग अगर लिखेंगे तो आपका आंसर करीबन कम से कम नहीं तो आराम से 10 पेज खींच जाएगा और 10 पेज हम लोग सिर्फ 7 मार्क्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग चीजों को समझेंगे, एक कोड से हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने चीजों को एकदम आसान कर देंगे। देखिए यहाँ पे इवेंट लिसनर इंटरफेस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इवेंट लिसनर क्या होता है, लिसनर क्या होता है कि वो सुनता है, क्या किसकी सुनता है, अगर जो भी उसको बोला गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग इवेंट डेलीगेशन मॉडल में अभी देखे थोड़ी देर पहले, ये सुनता है जो भी एक्शन हम लोग को परफॉर्म करने दिया, तो ये असलियत में क्या करता है। ठीक है, ये असलियत में सुना, ये एक इंटरफेस है, इसके अंदर क्या होते हैं मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है, जो कि वो काम करेगा वो बताना चाहिए। ठीक है, वो बताएगा कि ये क्या क्या काम करना है। तो कुल मिलाकर हम लोग जानते हैं लिसनर इंटरफेस का काम क्या है, वो सुनेगा जो भी कमांड दिया गया उसको, जो भी एक्शन उसको दिया गया और उसको हम लोग को वो बताएगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं अभी इवेंट लिसनर के बारे में क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके लिसनर के इंटरफेसेस के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है हम लोग का एक्शन लिसनर। तो ये कब आता है हम लोग का, ये एक इंटरफेस है जैसा कि मैं बता चुका, विच डिफाइंस एक्शन परफॉर्म, ये डिफाइन करता है कि एक्शन हम लोग का कौन सा परफॉर्म हुआ, कब परफॉर्म हुआ। तो कुल मिलाकर बोलने का मतलब ये कि ये कब यूज होता है हम लोग का, यूज टू हैंडल इवेंट्स कॉज बाय सोर्सेज लाइक, जैसे हम लोग बटन को कॉल किए, मेन्यू आइटम को, जैसे हम लोग मेन्यू आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो जब हम लोग उसमें सिलेक्ट करें तो हम लोग को एक्शन बताना पड़ेगा कि क्या एक्शन होना चाहिए। तो ये सब एक्शन को जब भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जब हम लोग किसी टेक्स्ट फील्ड में एंटर प्रेस करते हैं, तो ये सारे जो एक्शन है उसको कौन हम लोग को बताएगा, एक्शन लिसनर बताएगा। ठीक है, एक्शन लिसनर उस पर क्या करेगा, हम लोग काम करके देगा। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग इस तरीके से हम लोग इंटरफेस बना सकते हैं, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, एक्शन परफॉर्म ये डिफाइन करेगा, एक्शन परफॉर्म इसके अंदर ये मेथड है। ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर ये मेथड है एक्शन परफॉर्म, तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और हम लोग को यहाँ पे पैरामीटर में एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, ए कुछ भी देख सकते हैं, ए ही लिख दिया यहाँ पे, एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास किए। अब हम लोग इसका एक कोड पार्ट देख लेते हैं। देखिए कोडिंग पार्ट आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको बस बता रहा हूँ कि आखिर इसको यूज कैसे किया जाता है। आप पेपर में इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। हम लोग को एक एक करके सारे के सारे इंटरफेसेस के बारे में बताना है, उनके अंदर जो मेथड्स हैं उनके बारे में बताना है, उनके सिग्नेचर बस बताना है, इतना काम करना है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इम्पोर्ट किए सबसे पहले java.awt पैकेज को, उसके बाद इम्पोर्ट किए java.awt इवेंट पैकेज को। ठीक है, उसके बाद फिर एक क्लास लिए हम लोग, फ्रेम क्लास को हम लोग क्या किए, इम्प्लीमेंट किए एक्शन लिसनर। ठीक है, अभी हम लोग एक्शन लिसनर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट किए इस इंटरफेस को, एक्शन लिसनर को। उसके बाद फिर मैं फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एफ, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी, टेक्स्ट फील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टीएफ, क्योंकि ये यही सारे इवेंट को क्या करता है, हैंडल करता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसा ना लिख के ये होगा, ये ए क्लास में बनाया हूं, तो ए क्लास को मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूं। डिफाइन कैसे किया हूं, मैं ए क्लास को हम लोग अंदर डिफाइन किए, क्या लिखा हूं मैं इसके अंदर, एफ इज इक्वल टू न्यू फ्रेम टेस्ट पास कर दिया मैं इसके अंदर, टेस्ट नाम का एक स्ट्रिंग डाल दिया। ठीक है, बटन में न्यू बटन बनाया, इसके अंदर क्लिक डाल दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं तो मेरे को दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट को और करेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्स्ट फील्ड बनाया मैं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे 10 पास कर दिया, वहां पे सेट कर दिया मैं टेक्स्ट फील्ड का साइज जो है। उसके बाद फिर मैं क्या किया, एफ डॉट एड बी, जैसे कि हम लोग जानते हैं एड किसके काम करते हैं, क्या काम करता है, हम लोग का रजिस्टर करता है, जैसे हमें बताया अभी थोड़ी देर पहले, एफ डॉट एड बी यहां से क्या हो गया, रजिस्टर हो गया हम लोग का एफ, ठीक है। उसके बाद बी को भी रजिस्टर हम लोग, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या किया, एफ डॉट एड पी एफ, जो भी हमारा फ्रेम में आ रहा है वो टेक्स्ट फील्ड में चला जाए, ये चीज हम लोग कर रहे हैं। तो एफ डॉट एड पी एफ लिख दिए, उससे रजिस्टर हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बी डॉट एड एक्शन लिस्नर, यहां से हम लोग का रजिस्ट्रेशन किया, इसको रजिस्ट्रेशन किसका किया गया, एक्शन लिस्नर इंटरफेस का रजिस्ट्रेशन किया गया, ठीक है। बताया था मैं आपको रजिस्टर करना पड़ता है हम लोग के किसके ऑब्जेक्ट को, किसके ऑब्जेक्ट को, लिसनर के ऑब्जेक्ट को हम लोग को रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसके लिए एड मेथड लगता है। तो बी डॉट एड एक्शन लिसनर, और इसके अंदर हम लोग दिस कीवर्ड पास कर दिए ताकि करेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पाए। उसके बाद फिर यहाँ पे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, यहाँ पे हम लोग क्या किए, डिफाइन किए हैं इस मेथड को, ये जो हमारा मेथड है इस इंटरफेस के अंदर, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरफेसेस के अंदर जितने भी मेथड होंगे हम लोग को उनको मैंडेटरी डिफाइन करना ही होगा, भले चाहे वो काम करें चाहे ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म नाम के यहाँ पे मेथड को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। एक्शन इवेंट का, एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया ए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग नाम, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया str इज इक्वल टू ए डॉट गेट एक्शन कमांड यहाँ पे लिख दिया, जो क्या करेगा कि जो भी एक्शन है वो क्या करके देगा, मेरे को गेट करके देगा, मतलब एक्शन जो भी हो रहा होगा वहां पे, जैसे बटन क्लिक हो रहा है या फिर हमारा फ्रेम बन रहा है या फिर टेक्स्ट फील्ड में हम लोग एंटर प्रेस करें, तो वो यहाँ पे वो पास करके देगा, ये रिटर्न करेगा इसको, ये इसको रिटर्न किया। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड में उसको सेट कर दे रहा हूँ, तो टी एफ डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें इसके ब्रैकेट में पास कर दिया मैं इसका ऑब्जेक्ट str, ये काम कर लिए। उसके बाद फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन फंक्शन लिखे और ए क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, ए क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखे ए इज इक्वल टू ए, ये ए वाला ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू न्यू ए, तो जैसे मैं इसको कॉल किया ये तुरंत यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच के ये अपना काम कर लेगा, एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो मैं कोडिंग पार्ट यहाँ पे बता रहा था इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हूं, और ये एग्जैक्ट कोड भी नहीं है। क्यों एग्जैक्ट कोड नहीं है, यहाँ पे मैं सेट लेआउट सेट नहीं किया हूं, यहाँ पे मैं सेट विड्थ वगैरह सेट नहीं किया हूं, तो ये एग्जैक्ट कोड नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक्शन को, किसी भी एक्शन लिसनर के मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस को सबसे पहले रजिस्टर किए, इंटरफेस को हम लोग रजिस्टर किए, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को रजिस्टर किए यहाँ पे, और रजिस्टर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं उसको क्या करना पड़ता है, हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। ये चीज बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे कोड ले लिया हूं, बाकी काम आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, एक इंटरफेस है जो कि डिफाइन करेगा एक्शन परफॉर्म मेथड को। क्यों इसको डिफाइन करेगा, क्योंकि भैया ये इसके अंदर का मेथड है, इस इंटरफेस के अंदर का मेथड है, और हम लोग जानते हैं अच्छे से इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं उसको डिफाइन करना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, नहीं तो एरर आएगा। तो यहाँ पे यूज टू हैंडल इवेंट्स कॉज्ड बाय सोर्सेज लाइक बटन, मेन्यू आइटम्स के लिए, और उसके बाद प्रेस करते हैं एंटर एक टेक्स्ट फील्ड में, तब के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एक्शन लिसनर इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा, इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो ये हम लोग पहला देख लिए एक्शन लिसनर के बारे में, अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंटरफेस में, कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को और कुछ इंटरफेसेस के बारे में देखते हैं। अब जैसे मैं बताया था हम लोग को क्या देखना है, इंटरफेस क्या होता है, उसके मेथड्स देखने हैं, क्या काम करता है, बस इतना, ठीक है। सेकंड मेथड है हम लोग का माउस मोशन लिसनर, तो माउस मोशन लिसनर नाम से ही पता चल रहा है माउस के मोशन से जो भी ऑपरेशन होगा उसको हैंडल करने वाला कौन, माउस मोशन लिसनर इंटरफेस। तो यहां पे ये डिफाइन करता है दो मेथड्स को, एक होता है माउस ड्रैग और दूसरा होता है माउस मूव। तो माउस को ड्रैग करने से क्या होना चाहिए, माउस को मूव करने से क्या होना चाहिए, दो मेथड्स इस इंटरफेस के अंदर है, मतलब अगर आप इस इंटरफेस को यूज करते हैं तो आपको ये दोनों मेथड्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे, भले आप एक ही का यूज क्यों ना कर रहे हो, अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसका सिग्नेचर देख लेते हैं। देखिए सिग्नेचर बहुत ही इजी है सबका, जो नाम वही सिग्नेचर वैसे ही है, void माउस ड्रैग यहां पे लिखा हूं मैं, माउस ड्रैग और इसके पैरामीटर में पास किए माउस इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट एमई, ठीक है, माउस इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट एमई। वैसे यहां पे void माउस मूव और माउस इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट एमई, ठीक है।
ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद फिर देखते हैं आइटम लिसनर के बारे में। तो जब भी हम लोग रेडियो बटन, चेक बटन, ठीक है, रेडियो बटन हो गया, जो भी हमारे पास जो चॉइसेस रहती है, चेकबॉक्स हो गया, चॉइस, ये सब चीजों को अगर हम लोग को जब हम लोग चेक करते हैं तब उसका जो स्टेट चेंज होता है उसको कौन हैंडल करता है, हमारा आइटम लिसनर इंटरफेस उसको हैंडल कर सकता है। तो इसके अंदर एक ही मेथड है जिसको बोलते हैं void item state change नाम का इसका मेथड है। और यहां पे हम लोग को आइटम इवेंट का ऑब्जेक्ट पास करना होगा IE, ठीक है, इजी है। इसके आगे देखते हैं हम लोग की लिसनर के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे की लिसनर लिखा है, शायद वहां पे नहीं दिखेगा, ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। की लिसनर तो हैंडल्स इवेंट जनरेटेड फ्रॉम द की ऑफ अ कीबोर्ड, नाम से ही पता चल रहा है, कुछ भी हम लोग कीबोर्ड से जब प्रेस करेंगे तब जो इवेंट अकर होगा उसको हैंडल कौन करेगा, हम लोग का की लिसनर इंटरफेस करेगा। इसके अंदर तीन मेथड है, ठीक है, की को प्रेस करने से क्या होगा, की को रिलीज करने से क्या होना चाहिए और की को टाइप करने से क्या होना चाहिए। तो वही नाम वही काम, वॉइड की प्रेस की इन की इवेंट का एक ऑब्जेक्ट पास किए के ई, वॉइड की रिलीज की इवेंट का ऑब्जेक्ट पास किए के ई, और वॉइड की टाइप की इवेंट का ऑब्जेक्ट पास किए क्या के ई, ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं हम लोग माउस लिसनर के बारे में। माउस लिसनर क्या करेगा, ये पांच मेथड, थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है माउस लिसनर के बारे में, क्यों, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा मेथड है। डिफाइंस फाइव मेथड टू रिकॉग्नाइज व्हेन द माउस इज क्लिक, माउस पे क्लिक होगा तो क्या इवेंट होना चाहिए, एंटर करेंगे कंपोनेंट तो क्या होगा इवेंट, एग्जिट करेंगे कंपोनेंट, मतलब जब भी हम लोग क्लिक करके एंटर करते हैं ना किसी इवेंट में, तो एंटर करेगा तब, एग्जिट करेगा तब, प्रेस करेंगे तब और रिलीज करेंगे तब। यहाँ पे जैसा नाम वैसा काम, void mouse click mouse event class का ऑब्जेक्ट पास किए me, void mouse entered mouse event class का ऑब्जेक्ट पास किए me, सब में mouse event class का ऑब्जेक्ट पास करें me, और जैसा नाम वैसा काम mouse entered mouse exited mouse pressed mouse released और सबका रिटर्न टाइप क्या होगा, void होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पांच अभी इंटरफेस देख लिए, और कुछ इंटरफेस देख लेते हैं ताकि हमारे थ्योरी आंसर 7 मार्क्स का होता है तो 7 पॉइंट कम से कम हम लोग को मिल जाए, 7 से मैं थोड़ा ले लेता हूं ताकि आपको जो भी याद आए आप लिख सकें, ठीक है। देखते हैं और कुछ इंटरफेसेस, तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को और कुछ हमारे इंटरफेस देख लेते हैं। कंटेनर लिसनर यहां पे लिखा हुआ है, डिफाइंस दो मेथड को ये डिफाइन करता है किस चीज के लिए, नाम से पता चल रहा है कंटेनर है, कोई चीज डालने के लिए और कोई चीज रिमूव करने के लिए, कंटेनर क्लास हम लोग आगे देखेंगे अपने सीरीज में। डिफाइंस टू मेथड टू एड कंपोनेंट इज, या तो एड होगा या तो रिमूव होगा, कहां से, कंटेनर से, कंटेनर क्लास से, ठीक है। तो void कंपोनेंट या तो एड होगा तो void कंपोनेंट एडेड, कंटेनर इवेंट का ऑब्जेक्ट पास किए सीई, void कंपोनेंट रिमूव, कंटेनर इवेंट का ऑब्जेक्ट पास किए सीई, ठीक है। फोकस लिसनर ये कीबोर्ड के फोकस गेन और फोकस लॉस से रिलेटेड है, ये दो मेथड डिफाइन करेगा जहां पे कीबोर्ड का फोकस उसको मिलेगा या तो कीबोर्ड का फोकस नहीं मिलेगा। इस चीज के लिए यहां पे दो मेथड है, void फोकस गेन, void फोकस लॉस, दोनों बार में फोकस इवेंट के ऑब्जेक्ट को पास कर दिए एफ ई, ठीक है। आगे देख लेते हैं लास्ट इंटरफेस, माउस व्हील के अगर हिलाने से, माउस व्हील के अगर मूव करने से ये क्या होगा, डिफाइन अगर हम लोग किए कुछ भी मेथड को हम लोग को डिफाइन करना है तो वो कौन करेगा, माउस व्हील लिसनर इंटरफेस करेगा। तो डिफाइंस माउस व्हील मूव मेथड व्हेन द माउस व्हील इज मूव, ठीक है। और इसका जो सिग्नेचर है इसके फंक्शन का एक ही मेथड है इसके अंदर, void माउस व्हील मूव, माउस व्हील इवेंट का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिए एमई। तो इस तरीके से हम लोग कुछ 8 इंटरफेसेस के बारे में देख लिए, थ्योरी एग्जाम में लिखने के लिए सफिशियंट है। अब हम लोग देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडाप्टर क्लासेस के बारे में। एडाप्टर क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, इसी चीज से थोड़ा रिलेट करता है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को, एडाप्टर क्लासेस देखेंगे हम लोग, क्या होता है ये एडाप्टर क्लास, सबसे पहले समझते हैं इसका कंसेप्ट, आखिर क्यों यूज किया जाता है इसको। तो अभी हमने देखा इंटरफेसेस के बारे में, लिसनर इंटरफेसेस के बारे में देखा, काफी सारे देखे, तो हम लोग देखे किसी लिसनर इंटरफेस के पास एक मेथड है, किसी लिसनर इंटरफेस के पास दो मेथड है, किसी लिसनर इंटरफेस के पास 5-5 मेथड भी है, जैसे कि हमने देखा माउस लिसनर इंटरफेस के पास 5 मेथड थे। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा, हम लोग को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस में हमारे पास मेथड्स होते हैं, और अगर हम लोग कोई इंटरफेस को डिफाइन किए तो उसके अंदर जितने भी मेथड्स आए हैं उन सबको हम लोग को डिफाइन करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंटरफेस की जिम्मेदारी है कि उसको डिफाइन करे उस मेथड को, अगर हम लोग मेथड को डिफाइन नहीं करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा हमारा कोड। तो देखिए यहां पर ऐसा है कि अगर मेरे को माउस लिसनर क्लास, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, मान लीजिए मेरे को यूज करना है माउस लिसनर क्लास, उसके अंदर उस इंटरफेस के अंदर
अंदर कितने मेथड है, पांच पांच मेथड है, ठीक है। मेरे को यूज करना है सिर्फ एक मेथड, ठीक है, मैं यूज किया एक मेथड, लेकिन क्या अगर मैं बाकी मेथड्स को वहां पे डिफाइन नहीं करूंगा तो क्या मेरा कोड एकदम सही चलेगा? बिल्कुल सही नहीं चलेगा, वहां पे एरर देगा वो मेरे को, वो बोलेगा कि भैया पूरे पूरे के पूरे जितने भी मेथड्स हैं इसके अंदर सबको डिफाइन करो आप, भले ही चाहे वो एम्प्टी डेफिनेशन क्यों ना हो लेकिन आप डिफाइन करो। तो ये क्या हेल्दी प्रैक्टिस है क्या हमारे कोडिंग पार्ट के लिए? बिल्कुल हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग को कौन इंश्योर करता है? एडेप्टर क्लास इंश्योर करता है। ये हम लोग को क्या देगा? ये हम लोग को एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन देगा उन क्लासेस के लिए, ठीक है, उन मेथड्स के लिए जो कि हम लोग यूज नहीं कर रहे अपने कोड में, उनको हम लोग को जबरदस्ती डिफाइन करना, जबरदस्ती एम्प्टी डेफिनेशन देना जरूरी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज यूज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इवेंट हैंडलिंग, इट प्रोवाइड एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल मेथड्स इन एन इवेंट लिसनर इंटरफेस, डिफाइंस अ न्यू क्लास, एक नया क्लास बनाएंगे हम लोग टू एक्ट एज एन इवेंट लिसनर बाय extending one of the adapter classes and implementing only those method which we want to use in our code. तो अभी हम लोग इसको एक code के through समझेंगे तो चीजें एकदम clear हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इसका code। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। एडप्टर क्लासेस समझ रहे हैं हम लोग, एक कोड के थ्रू इसको समझेंगे, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहला काम हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एप्लेट का यूज करने वाले हैं, एप्लेट प्रोग्रामिंग यूज करने वाले, तो आपको एक एचटीएमएल फाइल का अलग से कोड लिखना पड़ेगा। एचटीएमएल फाइल हम लोग यहाँ पे लिखे, एचटीएमएल टाइटल में लिख दिया एडप्टर क्लास, ठीक है, टाइटल क्लोज। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में एप्लेट प्रोग्रामिंग में, वहां पे आपको बताया था कि हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, एप्लेट कोड और जिस फाइल से इसको हम लोग क्या किए सेव किए, मान लीजिए मैं इसको सेव किया था adapter.java से इसको कंपाइल किया था, तो वो हम लोग को क्या रिटर्न करके देगा, adapter.class फाइल रिटर्न करके देगा। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे लिखना है, adapter नाम की फाइल से इसको सेव किया था मैं, तो adapter.class यहाँ पे लिखेंगे, width यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, हाइट स्पेसिफाई करेंगे, कहाँ पे किस जगह पे एप्लेट की स्क्रीन पे हम लोग को ये आउटपुट दिखेगा, और उसके बाद एप्लेट टैग क्लोज करेंगे, एचटीएमएल टैग क्लोज करेंगे। ये हम लोग जान चुके थे एप्लेट प्रोग्रामिंग में एचटीएमएल का सेपरेट कोड हम लोग को लिखना होता है। उसके बाद सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, पैकेज इंपोर्ट करना नहीं बोलेंगे, इंपोर्ट java.awt.star, java.awt.event*, java.applet.star, ये चीज हम लोग कर देंगे, ये हम लोग जानते हैं क्यों हम लोग किए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, पब्लिक क्लास ए, यहाँ पे एक क्लास बनाए ए जो कि एक्सटेंड कर रहा है एप्लेट, एप्लेट को यूज करने के लिए। उसके बाद एप्लेट में हम लोग जानते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पब्लिक वॉइड इनिट मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, एड माउस लिसनर नाम का यहाँ पे जो हम लोग के पास इंटरफेस है उसको मैं क्या किया, इसको मैं रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाना हम लोग को बहुत जरूरी है, सबसे पहला काम यही होता है हम लोग का, रजिस्टर कराया अपने इंटरफेस को और यहाँ पे पास कर दिया मैं अपनी क्लास का नाम, ठीक है, ये न्यू और ये मेरी क्लास का नाम है मेरा एडप्टर, और यहां पे मैं पास कर दिया दिस कीवर्ड ताकि मैं करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकूं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या किया, न्यू मेरा एडप्टर और दिस कीवर्ड का यूज कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस मेरा एडप्टर क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास मेरा एडप्टर एक्सटेंड्स माउस एडप्टर, ये आपको लिखना पड़ेगा, एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग माउस एडप्टर। ये जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं ये मैं यहां पे लिया हूं माउस लिसनर का, माउस लिसनर में हम लोग जानते हैं पांच मेथड्स होते हैं, क्लिक्ड हो गया, एंटर, उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं वहां से, ठीक है, एग्जिट, और भी मेथड होते हैं, टोटल पांच मेथड होते हैं। तो मेरे को क्या करना है, एडप्टर क्लास की मदद से सिर्फ एक ही मेथड को मैं डिफाइन करूंगा और बाकी मेरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे मैं अपनी क्लास के अंदर मेरा एडप्टर एक्सटेंड लिखना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड आपको जरूर करना है, किसको, माउस एडप्टर क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा यहां पे। उसके बाद फिर मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर पब्लिक मेरा एडप्टर यहां पे मैं पास किया अपने पैरामीटर, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को पास किया सबसे पहले यहां पे, अच्छा ऑब्जेक्ट मैं चेंज कर देता हूं, ए नाम दे देता हूं मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ए क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल ए। उसके बाद फिर मैं क्या लिखा, पब्लिक मेरा एडप्टर और इसके अंदर पास कर दिया ए क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और हम लोग जानते हैं कि पैरामीटराइज यहां पे कंस्ट्रक्टर लगेगा, ठीक है, दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहां पे क्या लिखा, पब्लिक वॉइड, सिर्फ एक ही मेथड को मैं यहां पे डिफाइन किया, पब्लिक वॉइड माउस क्लिक मेथड को डिफाइन किया, और हम लोग जानते हैं माउस इवेंट का ऑब्जेक्ट पास करते हैं इसमें एमई। और उसके बाद फिर मैं क्या किया, ए डॉट शो स्टेटस में देखा तो वहां पे मैं लिख दिया क्लिक हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग आउटपुट देखेंगे इसका एप्लेट की स्क्रीन पे, एप्लेट की स्क्रीन में हम लोग जानते हैं एप्लेट की स्क्रीन में कैसे पहुंच सकते हैं, एप्लेट व्यूअर कमांड से पहुंच सकते हैं, और डायरेक्टली अगर एचटीएमएल फाइल को ओपन करें तो भी हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, क्लिक हो गया,
क्लिक हो गया, ये हम लोग का आउटपुट शो करेगा कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पांच मेथड थे उस इंटरफेस के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही को डिफाइन किया हूं, मैं बाकी में ब्लैंक डेफिनेशन एम्प्टी डेफिनेशन नहीं दिया हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड को डिफाइन किया हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करके क्या मैं एक्स्ट्रा काम किया हूं, यहाँ पे एडप्टर क्लास बनाया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अपने से क्लास बनाया हूं और एक्सटेंड कर दिया हूं माउस एडप्टर को, माउस एडप्टर का यूज करके मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूं एक्सटेंड कर दिया हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडप्टर क्लास का आइडिया क्या है, ये अप्रोच क्या है इसका, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा बस हम लोग को यहाँ पे कोड अच्छे से लिख देना है, थोड़ा थ्योरी बना के लिख देना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना ये सेकंड पार्ट खत्म कर रहे हैं इस वीडियो का, जहां पे हम लोग क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस किए, हम लोग डिस्कस किए इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल देखे अच्छे से, लिसनर क्लास के जितने भी इंटरफेसेस थे हम लोग मैक्सिमम इंटरफेसेस के बारे में देखे, उसके बाद फिर एडप्टर क्लास के बारे में हम लोग देखे, तो एक कंप्लीट पैकेज होगा ये, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में मैं जेडीबीसी और उसके नेटवर्किंग के बारे में लाऊंगा, ठीक है। तो उससे हमारा कंप्लीट यूनिट ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, एप्लेट से लेके पूरा जेडीबीसी तक, तो ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा एफर्ट ठीक लगता है, अगर आपको चीजें समझ में आती है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, कुछ सजेशन लगे तो वो भी आप मुझे बताइए, कुछ डाउट होता है तो जरूर आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।